सो वेलकम बैक टू द चैनल एंड फाइनली आज के कॉर्न्यू वीडियो के साथ में तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम वन वी वंस के बारे में बात करने वाले हैं जब भी आप किसी अच्छे बंदे के सामने खेलते हो तो आपको कैसे वो जो सिनेरियो होता है वो हैंडल करना होता है क्योंकि आप सभी को पता होगा रिसेंटली भाई मैंने अभी जॉनअन के सामने खेला है और वहाँ पर मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी है क्या क्या गलतियां मैंने करी वो सारी मैं अब आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ बट एडवाइस आगे बढ़ने से पहले एज यूज लाइक वाला बटन जरूर से दबा देना सिक्स लाइक्स का हम टारगेट रख लेते हैं इस वीडियो का देखते आप लोग करवा पाते हो या फिर नहीं वैसे तो मुझे पता है इजीली तुम करवा दोगे तो फटाफट से लाइक वाला बटन दबा देना एंड जिनको भाई टिप्स एंड ट्रिक्स देखना पसंद है या फिर गेम प्लेस देखना पसंद है वो लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को एंड बेल आइकन को भाई ऑल पे अगर तुमने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो भी कर देना अगर नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब के साथ वो भी कर देना बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट गेट स्टार्टेड सोगाई so, सर अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करें ना तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अब कॉन्फिडेंस के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ क्योंकि जब भी आप किसी अच्छे बंदे के सामने वन वी वन लेते हो ना तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए अब ये चीज़ भाई मैं कैसे बता सकता हूँ क्योंकि भाई देखो अचानक से मैंने जॉनथन और जी गॉड के साथ में खेला ना तो आपने वो टी देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं कितना ज़्यादा एक तो शेक कर रहा था वहाँ पे लाइक मेरा कॉन्फिडेंस है ना भाई वहाँ पे जीरो हो गया था और मैं अच्छा मार सकता था ना तो भी मैं वहाँ पे मार नहीं पा रहा था या तो मैं ओपन में चले जा रहा था कुछ ना कुछ मिस्टेक्स मैं मे कर रहा था तो जब तक भाई वन वी वन का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना तब तक भाई तुम अच्छा खेल ही नहीं सकते किसी भी बंदे के सामने और क्लासिक में भाई तुम्हें एक चांस मिलता है जहाँ पर तुम दिखा सकते हो कि हाँ मैं वन ले सकता हूँ लेकिन वहीं पर अगर ये चीज़ तुम्हारे साथ हो जाती है तो भाई बहुत मुश्किल हो सकती है अब देखो मैं किसी भी बंदे के सामने लिटरली भाई तुम क्लासिक का कोई सा भी बंदा ले आओगे ना केड़ी उसकी कितनी भी हो मैं उसके सामने अच्छे से खेल लूँगा लेकिन भाई जब तुम लेजेंड के सामने खेलते हो लाइक जॉनथन जो बंदा भाई इंडिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेयर है उसके सामने तुम अचानक से खेलोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना भाई वो जीरो होने ही वाला है वहाँ पे एंड गाइस अब ये वाली जो सिचुएशन है ना भाई आप में से भी बहुत सारे लोग फेस करते होंगे कभी भी कोई ग्लेशियर वाला बंदा आ गया कोई या तो आरपी वाला बंदा आ गया तो उसके सामने आप ऐसा सोचते होंगे कि भाई इसके पास स्किन्स है मैं थोड़ा सा पीछे हट के खेलता हूँ तो यहीं पर हमारी गलती हो जाती है तो यहाँ पर हमारे पास वन वी वन लेने का कॉन्फिडेंस है ना इसलिए हम थोड़ा सा डर डर के खेलने लगते हैं वहाँ पर वहीं अगर कोई ऐसा बंदा आता है ना भाई नूब से कपड़े पहने होंगे उसने तो वहाँ पे आप बोलते रहे नूब है चल घुस जाता हूं मैं अकेला तो ये वाला डिफरेंस वहां पे क्रिएट हो जाता है तो इसीलिए भाई देखो कॉन्फिडेंस तुम्हें वन वी वन लेने का नहीं होगा ना लाइक तुम्हें लगेगा नहीं कि हाँ मैं इसे मार सकता हूँ तो वहाँ पे तुम ज़्यादातर विन नहीं करने वाले हो चाहे तुम्हारी स्किल्स कितनी भी ज़्यादा अच्छी हो तो ये पॉइंट है ना भाई बहुत ज़्यादा मेन है अभी रिसेंटली मैंने फेस किया है इसलिए मैं बता सकता हूँ आपको अच्छे से एंड गाइज अगर जॉनअन की जगह उस टाइम पर वैसा ही बंदा होता लाइक like, जॉनी की जैसा ही खेलने वाला बंदा होता लेकिन वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं होता ना लाइक like, इतना ज़्यादा लोग उसको एडमायर नहीं करते लाइक like, मैं खुद भी भाई जॉनी को बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ तो ऐसा कोई बंदा नहीं होता ना तो मैं वहाँ पे वन वी वन ईजीली ले सकता था लेकिन अब भाई देखो जिस बंदे को तुम देखते आए इतने टाइम से और जो बंदे को इतना ज़्यादा लोग जानते हैं कि हाँ गेम प्ले गॉड लेवल है तो वहां पे भाई देखो नर्वस मैं तो हो गया था बाकी आप लोगों का पता नहीं तो मुझे कॉमन सेक्शन में जरूर से बताना कि आपके साथ ये वाली सिचुएशन होती तो आप क्या करते वहाँ पे बाकी बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ओके गाइस तो ये जो पॉइंट अब मैं बताने वाला हूँ ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है नॉट ओनली फॉर वन वी वन जो आपका पूरा ओवरऑल गेम है ना उसको ये इम्प्रूव करने वाला है अब बहुत से लोग करते क्या है कि या तो वो अगर गेम खेलते हैं ना तो एक दो दिन का कभी ब्रेक ले लेते हैं या फिर उन्हें मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई ब्रेक नहीं लेना चाहिए लेकिन एटलीस्ट आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड गाइज आप में से बहुत सारे लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी वो दो तीन दिन गेम नहीं खेलते ना तो अचानक से वो गेम खेलते हैं तो या तो उनकी मूवमेंट भाई ऑन पॉइंट नहीं रहती उनका एम ऑन पॉइंट नहीं रहता उनका स्प्रे ठीक से नहीं जा पाता है तो ये ना भाई, भाई पे होती ही होती है तो एटलीस्ट तुम्हें कभी भी भाई टाइम मिले ना तुम क्लासिक खेलने आओ बस एक मैच खेलना है तुम्हें तो वहां पे मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम उस एक क्लासिक की जगह है ना या तो कुछ ट्रेनिंग ग्राउंड खेल लो या फिर मतलब कुछ ऐसा खेलो जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए क्योंकि तो क्लासिक में होगा क्या तुम खेल लोगे थोड़ा सा खेल तुम्हारे हो जाएंगे मजा आ जाएगा तुम्हें खेलने में लेकिन वहां पर तुम्हारा गेम है इतना ज्यादा इंप्रूव नहीं होने वाला है तो कहीं ट्रेनिंग ग्राउंड तो तुम्हें सोच लेना है कि जाना ही जाना है जब भी तुम गेम में आते हो ना तो क्लासिक शुरू करने से पहले टीडीएम भी मत खेलो मैं टीडीम का भी नहीं बोल रहा हूँ सीधे पहले तुम्हें ट्रेन ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना है वहाँ पे तुम्हें तुम्हारी जॉयस्टिक है ना भाई वो सबसे पहले परफेक्ट करनी पड़ेगी अब परफेक्ट ऐसा नहीं कि भाई जॉयस्टिक की तुम साइज चेंज कर रहे हो नहीं वहाँ पे तुम थोड़ा सा भगाओ बंदे को इधर से उधर मोमेंट्स हो ताकि तुम्हारी जॉयस्टिक पे जो हाथ है ना वो अच्छे से बैठ जाए फिर वहाँ पे तुम एम ट्रांसफर वगैरह स्प्रे वगैरह की जो है ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हो अब जॉन को तुम देखते हो वो बंदा भाई सारे दिन कस्टम्स खेलता है लेकिन जब भी वो भाई आता है ना लाइव स्ट्रीम वगैरह करता है तो सबसे पहले वो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाता है और तब जाके वो लाइव शुरू करता है लाइक जो भी क्लासिक वगैरह उसे खेलना रहता है तो भाई देखो बड़े बड़े प्लेयर्स भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो भाई मैं तो यही बोलूँगा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग ग्राउंड में तुम जितना ज़्यादा टाइम दोगे ना उतना ज़्यादा तुम इंप्रूवमेंट्स दिखने वाली है ओके गाइस तो देखो अब तुम सच में सोच चुके हो ना कि मुझे वन वी वन अपना इंप्रूव करना ही है तो सबसे पहले भाई तुम्हें वन वी वन जो टी है ना वो खेलना स्टार्ट करना पड़ेगा वहाँ पे क्योंकि ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर तुम अगर लाइक चाहते हो ना तुम सीरियसली कि मेरा गेम इंप्रूव हो जाए तो वन वी वन तो तुम्हें खेलने ही पड़ेंगे टी डी एम में एंड गाइज ये चीज़ मैं इतने भरोसे से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली जब बीजेईस के क्वालिफिकेशनस के जो मैचेज है वो स्टार्ट हुए थे ना तो मैंने कुछ दिन के लिए कस्टम्स वगैरह खेलना जो है शुरू कर दिया था लाइक मैं कॉम्पिटिटिव में घुस गया था कुछ टाइम के लिए एंड कॉम्पिटिटिव मैं जब भी जाता हूँ ना मैं तो भाई फुल अपना ग्राइंड है ना वो ऑन रखता हूँ वहां पे जब भी मुझे वन वी वन खेलना होता है ना मैं सीधे रूम कार्ड अप्लाई करता हूँ एंड पे अच्छे बंदों के सामने सामने लाइक मेरे जो होते हैं उनके सामने वन वी वन करता एंड उस टाइम पे जो मेरा गेम प्ले ना भाई सीरियसली पीक लेवल पे होता है क्योंकि आज उस टाइम पे मैं इतने ज्यादा टीडियम्स खेलने लग जाता हूँ ना लाइक जो भी बंदा मुझे अच्छा दिखता है ना मैं सीधे उसको बोलता हूँ कि हाँ रूम कार्ड है तेरे पे तो खेलते वन वी वन खेलते पे हम ज्यादातर तो वन वी वन से तुम्हारा जो गेम प्ले ना भाई वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकता है आप देखो गेम सेंस तो ऑब्वियसली वहाँ पे इंप्रूव नहीं होने वाला हो तो तुम क्लासिक खेलोगे या फिर तुम कस्टम्स खेलोगे वहीं पर इम्प्रूवमेंट दिखेगी गेम सेंस में लेकिन जो गन पावर है ना तुम कितना अच्छा मार सकते हो बंदे को तुम्हारी हेड एक्यूरेसी क्या है तुम्हारी मोमेंट्स क्या है वो सब है ना भाई टी में तुम इंप्रूव कर सकते हो तो ट्राई किया करो कि जब भी तुम्हें आर वगैरह में वन वी वन का जो लाइक रूम कार्ड मिलता है ना सेवन डेज का उसे तुम पूरा निचोड़ लो क्योंकि देखो अभी तो फ्री आर में भी तुम्हें डे का जो मिलता है ना उसमें भी तुम खेल सकते हो वन डे में पूरे कस्टम्स वगैरह बना के तो जब भी मुझे ऐसा मौका मिलता है ना भाई मैं तो लाइक रूम कार्ड मैंने एक्टिवेट जैसे ही किया ना मैं पूरे दिन रूम कार्ड खेलता रहता तो ऐसा तुम कर सकते हो जिससे कि तुम्हारा जो 1v1 है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा एंड ऐसा मैं सोचा करो कि यार मैं हार गया तो यहां पे क्या होगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं सोचता है तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में भाई जो बंदा तुम्हें लगता है ना कि यार ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक खेलता है तुम सीधे उसे चैलेंज हो जाके वन वी वन करो एंड वहीं पर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम वन वी वन में कितने ज्यादा स्ट्रॉग हो तुम कहां पर गलती करते हो तो वो सारी चीजें भाई तभी पता चलेगी जब तुम खुद से ज्यादा अच्छे प्लेयर के सामने खेलोगे जैसे कि मैंने जॉनथन के सामने खेला तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वहां पर जीरो हो गया था तो मुझे पता चलेगा

ज्यादा हेल्प मिलने वाली है बाकी कई ऐसी टिप्स एंड लिए या फिर गेम प्ले वीडियो के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड सब्सक्राइब करते टाइम ऑल पे जरूर से कर लेना बेल आइकन को एंड देखो वीडियो को लाइक तो तुम्हें कर देना चाहिए था अभी तक तुम देख रहे हो अगर बाकी नहीं है तो अभी कर देना एंड मैं मिलता आपसे वीडियो में तब तक के लिए, लिए। गुड बाय लव यू गाइस की